उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक व्यापारी को उसकी ही दुकान में घुसकर बदमाशों ने गोलियों से भून दिया, जिसके बाद व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है व्यापारी दुकान बंद करने की तैयारी में था, तभी अचानक दो नकाबपोश युवक बाइक से दुकान पर पहुंचे और उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया। ये घटना खटीमा में झनकट के देवरी गांव में मंगलवार की देर शाम की है। नानकमत्ता निवासी रमेश रस्तोगी की शिवा मार्केट में आराधना ज्वेलर्स के नाम की दुकान है। मंगलवार की देर शाम रमेश रस्तोगी अपनी दुकान बंद करने की तैयारी में था कि तभी अचानक दो युवक बाइक पर सवार होकर आए और उन्होंने रमेश पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। गोलू की आवाज सुनकर पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इसी बीच दोनों नकाबपोश युवक बाइक से फरार हो गए, जिसके बाद घटना की जानकारी होने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दुकान में और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू कर दिया। इस बीच स्थानीय व्यापारियों ने रमेश को खटीमा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन हालत गंभीर होने के चलते उसे बरेली रेफर कर दिया गया, जहां बाद में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी वीर सिंह ने कहा कि घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। उनका कहना है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं और जांच पूरी होने के बाद ही कुछ पता लग पाएगा कि घटना का कारण क्या है। फिलहाल इस घटना के बाद व्यापारियों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है।